हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष, जैसे कि आप मुझे जानते हो मेरे चैनल टेक्निकल लवली मनी चैनल दूसरे स्वीप बाय मनी, जिसका लिंक को प्राय बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो है सैमसंग एयरबड प्लस कॉपी। तो अगर आप ये ले परचेज करना चाहते हो मेरे से, मैं आपको दूंगा 2000 रुपये में। अगर आप लेना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप पर संपर्क कर लेना, व्हाट्सअप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो एक चीज़ और बता दूँ, कोरियर चार्जेस अलग से देना पड़ेगा। तो चलो अब इसकी करते हैं सारी अनबॉक्सिंग, और इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला उसके बाद मैं यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा कि इसका टोटली कैसा रहता है। इसमें वैसे काफ़ी तरह के आते हैं, एक सस्ते इससे भी सस्ते आते हैं जो 1000-1200 के मिल जाते हैं। फ़र्क पड़ता है उनकी बिल्ड क्वालिटी पे, बैटरी पे, और मतलब कि हाथ में लगा के ज़्यादा लगते हैं कि ना ज़्यादा ही हल्के ले ले, और ये सेम बिल्कुल डिटो लगते हैं। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। इस चैनल पर कुछ कंसेप्ट नया लेके आया हूँ मैं, मतलब कि अनबॉक्सिंग तो मोबाइल की खैर चलती रहेगी, पर कोशिश यही रहेगी कि इस पर रेगुलर वीडियो करूँ, जैसे मैं स्विमिंग वैब मनी पे रेगुलर देता हूँ। तो कोशिश ये है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट की, जैसे कि अब ये प्रीमियम में रहते हैं, ये आपको 10,500 रुपये के मिलते हैं ऑनलाइन, जो 10,000 के ऑफर में और सस्ते हो जाते हैं। पर सोचो 10,000 वाली आइटम आपको 2,000 रुपये में मिल रही है, सेम सारा कुछ है, कोई इतना दिक्कत है ही नहीं है, पता नहीं चलेगा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे अगर आप परचेज कर रहे हो ओरिजिनल, तो एकदम ध्यान से देखना, मैं इसको बता दूंगा कि अगर आपने ओरिजिनल परचेज करे किस किस चीज़ का ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, ये है सैमसंग के बड्स प्लस, जो कि आए हुए को काफ़ी टाइम हो गया इसको। अब इसका ओरिजिनल और डुप्लीकेट कैसे पता करना है वो मैं सबसे पहले बता दूंगा। जो ये सैमसंग लिखा होता है ये एकदम शार्प नहीं होता, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर होती है, ठीक है। जैसे ये जी देखो, ठीक है ना, बल्कि ये जाली पेंट लगता है इजीली, ठीक है। बाकी बड्स प्लस तो एकदम शाइनिंग कर रहे हैं, पूरे ओरिजिनल लग रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि सैमसंग थोड़ा डुप्लीकेट लग रहा है इसमें। जैसे ये देखोगे ये एकदम शार्प लिखा हुआ है ना, पर यहाँ पे देखो ये थोड़ा अलग लिखा गया, जैसे खुद मोर लगाई होती हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट रहता है। उसके बाद जब ये क्वालिटी होती है, जो इनकी पैकिंग क्वालिटी होती है, ये बड़ी हाई लेवल की होती है, जो ओरिजिनल होते हैं, पैकिंग से आपको पता चल जाएगा। अगर बैक की बात करते हो तो बैक सेम आपको ओरिजिनल की तरह लगेंगे, जैसे कि 11 घंटे का इसका बैटरी बैकअप रहता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको सील ब्रेक मिलेगी, जो ओरिजिनल होते हैं उसमें आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो टैग होता है ओरिजिनल का, ये छोटा नहीं होता, ये पूरा बड़ा होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप स्कैन मार के अपना चेक कर सकते हो ओरिजिनल है। बाकी ये है कॉपी, अगर आपने लेने हैं तो ले सकते हो, अगर आप मेरे से लेना चाहते हो तो मैं आपको कर दूंगा, अगर आप मेरी शॉप लोकेशन पे आके शॉप पे लेके जाना चाहते हो तो शॉप पे भी आके ले सके जा सकते हो। तो चलो अब इसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले हम इसको ब्रेक कर देते हैं। बस ये है कि आप जब आप ओरिजिनल लोगे तो उसका थोड़ा ध्यान रखना कि आप ओरिजिनल लेते समय कहीं डुप्लीकेट ना उठा लो। OLX में भी केबल ऐसा होता है कि आपको देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, ये हो गया हमारा ब्रेक। तो फ्रेंड्स, ये हो गया अपना अनबॉक्स, हमने सील तोड़ दी है इसकी, सील मतलब की खोल दी है, ठीक है। और ये कुछ निकलना तो चाहिए ऐसे ही, ये लगता है अंदर से निकल गया ऐसे, हाँ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो, ये जैसे ही आप ब्रेक करोगे सेम आपको जो अंदर मिलती है बर्ड्स की सेम मिलेगी, जिसके अंदर आप चिट्ठियाँ पढ़ सकते हो। इसमें भी 2-4 चिट्ठियाँ पाई हुई हैं कॉपी करने के लिए, तो आपको ये देखने को मिलेगी। उसके ओहो जहर चेक कर सकते हो, हालांकि ये कॉपी है, बल्कि देखा जाए तो इसके अंदर आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। इसमें ये देख सकते हो आप, इसमें आपको बर्ड्स इसके जो टूंटरियाँ होती हैं वो देखने को मिलेंगी, ये आप देख सकते हो। ये जो ओरिजिनल होता है उसकी थोड़ी हाई क्वालिटी होती है, ये डुप्लीकेट की थोड़ी सी लो मिलेगी आपको क्वालिटी देखने में, जैसे कि आपको पता चल जाएगा ये डुप्लीकेट है, ठीक है। पर एक चीज़ और बता दूँ कि ये आपके साथ वायर कौन सी मिलती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको टाइप सी चार्जर मिल जाती है, छोटी सी वायर मिल जाती है वाइट कलर की, हालांकि इनको ब्लैक कलर की देनी चाहिए थी, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10,000 की जगह 2,000 खर्चना हो तो कोई इतना डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बड्स की, तो बड्स में आप देख सकते हो कि इसके ऊपर जो सैमसंग की ब्रांडिंग है वो नहीं होती सैमसंग के ऊपर, बहुत मतलब कि छोटे अक्षरों में होती है और ब्लैक होती है। तो कॉपी का खैर इससे पता चलता है, बाकी ओवरऑल इसका इतना पता नहीं चलता। बैक में कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये खोल के आप चेक कर सकते हो। ओहो क्या बात है, सेम ओरिजिनल में भी सेम ऐसे ही है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। अब हम इनको पेयर करके देखेंगे, मैं इसकी सारी वर्किंग करके दिखाऊंगा, हालांकि मैं जिससे शूट कर रहा हूँ मैं इसी से पेयर करने वाला हूँ। सेम लगता है कॉपी पे लेफ्ट राइट लिखा हुआ, तो दीदी देखते हैं इसका बैटरी बैकअप कितना रहेगा। मैं इसको 1-2 दिन यूज़ करके फिर इसका नेक्स्ट ओपिनियन बनाऊँगा। अगर आपको ये चाहिए तो ये मैं आपको 2,000 रुपये के दूँगा, ठीक है। तो देन आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको तुरंत के तुरंत मैं बता दूंगा कि आपको कैसे ये मिलेंगे, ठीक है। तो चलो इसकी करते हैं एंडिंग।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, टाइप सी का आपको बोर्ड मिल जाता है यहाँ पे, पर ओरिजिनल और डुप्लीकेट में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं। साउंड क्वालिटी भी सेम है, बस ये है कि यहाँ पे AKG लिखा हुआ है, मतलब कि सैमसंग की ब्रांडिंग लिखी हुई है, यहाँ से पता चलेगा कि ये डुप्लीकेट है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो ये आप चेक कर सकते हो, 2000 के कोई माड़े नहीं है। जहाँ पे जो चाहता कि सस्ते सस्ता मुझे ब्लूटूथ वाला मिल जाए तो ये बेटर रहेगा, बेटर ऑप्शन रहेगा। पर मैं इसका बैटरी बैकअप आपको बताऊँगा कि कितना रहता है, आई थिंक 4-5 घंटे का तो रहता ही है जो बर्ड्स का है। तो बाकी अगर देखा जाए तो जो कंपनी का जो ओरिजिनल रहते हैं उनके ऊपर ये केस वाला रहता है 11 घंटे का, तो इसका रहता है 2 घंटे का आई थिंक, ठीक है। तो काफ़ी वर्क हो जाता है, पर हम फिलहाल हम इसका देख के मैं आपको बताऊंगा, सारी टेस्टिंग करूंगा। चलो वीडियो का एंड करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स इनकी कर दी मैंने अनबॉक्सिंग, इसमें लाइट भी जलती है, ये देखो तो जी थोड़ी सी बैटरी इसकी डाउन है, ये देखो नीली लाइट चल रही है, आपको दिख रही है इसमें नीली लाइट चल रही है, इसकी बैटरी डाउन है, इसको चार्ज करेंगे। जो मैंने एप्पल के एयरपॉड प्रो की वीडियो बनाई थी वो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो बहुत सही चल रहे हैं। बैटरी बैकअप उसका 2.5 घंटे का आ रहा है अभी तक, तो 2.5 घंटे का आ रहा है, मैं उसको कान में लगाया हुआ है, मैं बातें कर रहा हूँ 1.5 से 2 घंटे 2.5 घंटे डिपेंड करता है। अगर मैं कॉलिंग पे हूँ तो 2.5 घंटे कंटिन्यू, मैं जैसे अपने दोस्त युगेश से बात करता हूँ तो मेरा 1.5 घंटे तक गया हुआ है, हालांकि मैं बीच में बंद कर देता, कॉलिंग चल जाती थी। पर बैटरी बैकअप अगर देखा जाए 2000 के हिसाब से काफ़ी अच्छा गया। अब इसका टेस्टिंग करेंगे और इसका देखेंगे क्या रिजल्ट रहता है, ये भी 2000 के है। तो चलो अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और अगर आपको ऑर्डर करना है तो मुझे ऑर्डर कर सकते हो, आपको मिल जाएगा ये 200 किलोमीटर के अंदर जल्दी मिल जाएगा। बाकी बस यही था आज के लिए, और बहुत जल्दी आप एक्साइटेड ऐसी ऐसी वीडियो आएगी कुछ आपके जो कम बजट में काम आने वाली चीज़ें हैं। बाकी देखा जाए अगर सिंगल हैंड वाले के ब्लूटूथ मांगते हैं ना कि भाई सिंगल वाला वो छोटा सा आता है ना, उससे तो बेटर है, खैर वो भी 1100-1200 का आता ही है, तो उससे बेटर ये है 2000 रुपये खर्चना। एक ही यूज़ किया, बैटरी डाउन हो गई, इसको लगा दिया, दूसरा चार्ज यूज़ किया, तो कोई माड़ा नहीं यार इस बजट में, मेरे हिसाब से कोई माड़ा नहीं है। बाकी इसी में और भी काफ़ी क्वालिटी आती है, देखने को सारा सेम होता है, उसकी बैटरी और इन चीज़ों का फ़र्क आता है डुप्लीकेट और ओरिजिनल में। तो इसमें खैर सॉफ बड़े बड़े अक्षरों में पता चलता है कि सैमसंग लिखा हुआ है, डुप्लीकेट है, ठीक है। पर जो एप्पल के थे वो बिल्कुल सेम है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, ऊपर आई बटन में नहीं देने वाला मैं आपको, मेरे चैनल पे जाके वीडियो देखनी पड़ेगी। तो बस आज के इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ये उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो चाहते हैं कि मैं बिजी शेड्यूल रहता है उनका, कान पे फ़ोन लगा के नहीं सुन सकते, और चाहते हैं कि सस्ते से सस्ता मैं कुछ ब्लूटूथ मतलब कि ले लूँ, तो बेटर ये ऑप्शन है, बेटर है ये ऑप्शन। अगर इससे भी थोड़ा नीचे गिरते हो आप, 1000 रुपये वाला लेते हो, उसकी बैटरी बैकअप बिल्कुल नहीं है, पैसे वेस्ट है, तो यहाँ पर 1000 रुपया वेस्ट करना है, वहाँ आप 1000 रुपया और लगा के थोड़ा बढ़िया ले लो, ज़्यादा बेनिफिट है। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो में आप और कुछ चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, बाय।